हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल निशु फैशन एंड ब्लॉग्स। सो आज हम आपको बताएंगे कि हम एक बंगाली रेसिपी कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम जो प्रिपरेशन करेंगे उसमें मैंने लिया, पहले ये बता देती हूँ कि उसका नाम क्या है। तो इसको हम बोलते हैं पीठे, तो जो मकर संक्रांति में स्पेशल बनता है हमारे बंगाली में। सो देखिए, ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया राइस का आटा, राइस फ्लोर है ये, इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और मैंने लिया इसमें गुड़, देख सकते हैं गाइस, गुड़ को मैंने थोड़ा मैश कर लिया था। और इसमें मैंने लिया थोड़ा सा नमक, क्योंकि इसमें मैं चीनी नहीं डाल के बनाऊंगी, आप लोग इसमें चीनी भी डाल के बना सकते हो। तो इसमें मैं गर्म पानी से इसको मिक्स करूंगी। थोड़ा सा थिकनेस होना चाहिए, एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए। हमारा बैटर बन के रेडी, तो थिकनेस कंसिस्टेंसी हमें इतनी रखनी है। तो इसको अब हम देखिए कैसे बनाते हैं, अब इसको बनाएंगे। तो गाइस, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, तो क्योंकि हम थोड़ा डीप फ्राई करेंगे इसलिए कढ़ाई को थोड़ा ज़्यादा मतलब गर्म करना ज़रूरी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। तो हमने रिफाइंड ऑयल लिया है इतना। तो फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो थोड़ा गैस का फ्लेम हम बढ़ा देंगे। तो इसको आप सरसों के ऑयल में, ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास सरसों का ऑयल है तो आप उसमें ही बना सकते हैं, उसमें और अच्छा बनता है। बट हम सरसों का तेल उतना यूज़ नहीं करते, तो हमने डाला रिफाइंड ऑयल। तो देखिए गैस, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसमें डालेंगे पहले ऑयल को गरम करके, फिर उसको थोड़ा ठंडा कर लेना है, मतलब कम आंच पे ही बनाना है बाद में। देखिए गाइस कैसे बन रहा है। अब इसको पलट देंगे। ये खाने में फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगता है, क्योंकि ठंड का टाइम है तो गुड़ से बना रहे हैं हम लोग। इसको चीनी से भी बना सकते हैं, बट चीनी मैंने डाला नहीं, गुड़ से बना रहे हैं। गुड़ से बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अब धीमी आंच में इसको धीरे धीरे हम लोग बनाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, सुनहरा कलर आने तक इसको हम ऐसे भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैटर बन के रेडी। तो इसको मैंने चीनी से अच्छे से मैश कर लिया, इसको मैंने गुड़ नहीं डाला है, चीनी से मैश किया है। चीनी से चावल का आटा, केला और थोड़ा सा नमक लिया है, और इलायची का थोड़ा सा पाउडर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे मैं बनाती हूँ इसको, लाइक पकौड़े जैसे बनते हैं वैसे पकौड़े की तरह ही इसको बनाना चाहिए।
देखिए फ्रेंड्स कैसे ये पक रहा है, तो इसको ऐसे ही सुनहरा हम फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स ये जो मेरी रेसिपी है वो बनके रेडी है, तो आप लोग आइए ज्वाइन करिए हमारे साथ और खा के बताइए कि कैसा लग रहा है। सो ये जो रेसिपी है ये मकर संक्रांति के दिन बनता है, आज पूजा भी होती है हमारे में, तो ये सबके घर में आज बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।